आज मैं आपको घर में बिल्कुल अलग तरीके से मैगी कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैगी बनाने के लिए सबसे पहले इस टाइम मैंने तीन इस टाइप की मैगी ली हैं, तीन इस टाइप की मैगी के पैकेट लिए हैं आप देख सकते हैं। और ये मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, तो सब्जियों में आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने मटर लिया है और ये मैंने आप देख सकते हैं टमाटर लिया है। टमाटर मैंने इस टाइम एक बड़ा साइज वाला काट रखा है, ये मैंने आधा प्याज काट रखा है और ये मैंने मिर्ची ली है, ये इस टाइम मैंने दो बारीक काट रखे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ में मैंने काट रखा है सभी सब्जियों को। और अगर आपके पास इससे अलावा और भी सब्जियां हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट इस टाइम मेरे पास इतनी सब्जियां हैं तो मैं इतनी ऐड करूँगी। तो अब हम कढ़ाई लेंगे और अगर आप इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको मैगी बनाना बता रही हूँ उस तरीके से आप बना लेंगे तो आपके घर में सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इस तरीके से एक बार आप रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आप देख सकते हैं मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली, तो कढ़ाई आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है और नॉनस्टिक की कढ़ाई ली है, आप कोई भी कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं। तो अब गैस का फ्लेम ऑन कर देना है। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, तो कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो कढ़ाई थोड़ी गर्म हो चुकी है, तो इसमें आधे चम्मच से भी कम ऑयल डाल देना है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने आधे चम्मच के लगभग ऑयल लिया है, तो ऑयल को भी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और इस टाइम मैं फ्राई करके बना रही हूँ मैगी को, तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप नॉर्मली भी पानी में उबाल के बना सकते हैं, बट इस टाइप से आप फ्राई करके बनाएंगे मैगी तो और भी उसका टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम लोग एक चम्मच के लगभग जीरा डालेंगे। इस टाइम मैं एक चम्मच छोटी वाली चम्मच ले रही हूँ, तो जीरा डाल देना है। तो जीरा मैंने डाल दिया, जीरा तड़क भी चुका है आप देख सकते हैं। तो अब इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हरी मिर्च डालनी है। तो आप देख सकते हैं हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है, तो इसमें प्याज डालेंगे। और दोनों ही चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग मटर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इसको थोड़ा पकाने के बाद इसमें और सब्जी ऐड करनी है, तो इसमें मटर डाल देंगे। तो मैंने इसमें मटर भी डाल दिया, तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो मैंने मटर को भी मिक्स कर लिया, तो इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इसको ढककर डेढ़ से दो मिनट के लिए पका लेंगे। डेढ़ से दो मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं डेढ़ से दो मिनट के बाद ही थोड़ी थोड़ी पकना भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मसाला पकने के बाद इसमें हम लोग मैगी मसाला ऐड कर देंगे। जो मैगी मसाला साथ में आता है पैकेट के साथ, वही वाला मैंने मसाला लिया है, तो मसाला ऐड कर देना है। तो इस टाइम मैंने तीन पैकेट मसाला इसमें ऐड कर दिया मैगी मसाला, तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने मिक्स कर दिया है, जो अब मैगी है उसको डाल देंगे हम लोग। तो मैगी के इस टाइप इस तरीके से दो पीस ही करने हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दो पीस में मैंने कर दिए हैं, तो एक बार मिक्स करेंगे सबसे पहले। तो अब इसमें तीन ग्लास के लगभग पानी ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप चाहें आपको सिर्फ ही मैगी खानी है, सिर्फ वाली पानी वाली मैगी खानी है, तो आप थोड़ा सा और पानी भी डाल सकते हैं, बट आपको बिल्कुल नॉर्मल मैगी खानी है तो आप इतना पानी डाल सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सूखी खानी हो तो आप बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालिए, एक ग्लास के पानी के लगभग ही डालिए। तो मैंने आप देख सकते हैं पानी डाल दिया है, तो गैस का फ्लेम हम लोग इस टाइम फुल करेंगे और अब इसको पका लेंगे। तो तीन से चार मिनट के लिए इसको ढककर हम लोग स्टीम कर लेंगे मैगी को, और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। तो दो मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बनके तैयार हो रही है। तो इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब इसको पका लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए और। तो 1 से 1.5 मिनट होने के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैगी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम लोग धनिया पत्ती से सर्व कर लेंगे। तो धनिया डालना है ऊपर से और धनिया को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। धनिया बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैगी बनके तैयार हो चुकी है, तो इसको सर्व कर लेंगे अब। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने सर्व कर लिया इस तरीके से। तो एक बार आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हमारी सिंपल तरीके से मैगी बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।